एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2023 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। टोटल 40 क्वेश्चन है। क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किए। और आप लोग ध्यान दें, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 10 वीडियो पढ़ा था, 15 वीडियो पढ़ा था, 20 वीडियो पढ़ा था, 4 ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको डेली 75 बार मैंने बोला है, 200 बार बोला है कि प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर 37 है सब्जेक्टिव मॉडल पेपर। सब्जेक्टिव समझते होंगे ना, लिखने वाला, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लिखने वाला एग्जाम। वो तो सारे आपको याद करने हैं। 10 वीडियो 15 वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, उसमें बहुत सारे सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जो बोला जा रहा है अच्छे से पढ़िए, और जो नए क्वेश्चन इस बार पूछे हैं वो सारे मैंने ग्रुप्स में भेज दिए हैं, जिन्हें PDF लेना यहाँ पर मिलेगा। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अभी तक अपना 100% सिलेक्शन है। बच्चे हो आप लोग, उसमें से 2-4 लोग बहानेबाज है जो 5 वीडियो 2 वीडियो देख के जाते हैं। इस 37 मॉडल पेपर सुनाई नहीं देता क्या? ऐप से पढ़िए। अभी तक 100% सिलेक्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सेम आते हैं ऑल इंडिया में। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? ब्लैक यूनिफॉर्म, कॉम्बैट्स, खाकी यूनिफॉर्म, स्मॉक्स। टाइम आपका इधर चल रहा। एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? और अभी यूनिफॉर्म कब मिलता है वीडियो जल्दी बना दूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, खाकी यूनिफॉर्म। सेकंड, स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने की उम्र कितनी होती है? 13 से 15 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करने की उम्र कितनी होती है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 13 से 15 वर्ष। थर्ड, कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने की उम्र कितनी होती है? 15 से 24 वर्ष, 16 से 26 वर्ष, 16 से 24 वर्ष, 15 से 26 वर्ष। कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करने की उम्र कितनी होती है? आंसर सभी लोग बताएंगे, जो पढ़ा होगा वही बता पाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 16 से 24 वर्ष। फोर, वनडे मैच में 6 छक्के मारने वाले बल्लेबाज का नाम लिखो। डेविड वार्नर, युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, वीरेंद्र सहवाग। वन डे मैच में 6 छक्के मारने वाले बल्लेबाज। ऐप डाउनलोड कर लेंगे और 37 मॉडल पेपर पढ़िएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हर्षल गिब्स। फिफ्थ, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2, 2:1, 3:1, 1:3। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2:1। सिक्स, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 बी, अनुच्छेद 20 ए, अनुच्छेद 21 ए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? चैनल जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 है। सेवन, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? शिमला, इम्फाल, शिलोंग या दिसपुर। वेयर इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान कितनी बार फाइट हुआ है? आपको टाइम ही पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 बार। 9, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस, भारत, अमेरिका, चीन। किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? मैंने क्लास में आपको बता रखा है आंसर क्या होगा। ऐप पर आपको आंसर गलत मिल सकता है। करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, चीन नहीं है, ऑप्शन बी होगा, भारत है। क्लास में मैंने 20-30 बार अब तक बता चुका हूँ। 10, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली, न्यू दिल्ली है। 11, HIV का फुल फॉर्म लिखें।
हेड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफरेंट वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फुल फॉर्म ऑफ HIV, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, डी होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल्स, 19 मेडल्स, 15 मेडल्स, 17 मेडल्स। 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर लिमिट टाइम आना चाहिए, टाइम इधर चल रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 मेडल्स। 13, भारत पाक युद्ध कब कब हुआ? 47, 62, 71, 99, 47, 65, 62, 99, 47, 65, 71, 99, 62, 65, 71, 99। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान फाइट कब कब हुआ? 4 बार हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, कब कब, आपको टाइम भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 47, 65, 71 और 99 में। 14, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 65 में, 62 में, 71 में, 99 में। एक ही बार चीन से लड़ाई हुआ है, तो बताइएगा क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1962 में। 15, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? हेंसली पर्सी ने, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, गैलीलियो गैलीली ने। हु इन्वेंट थर्मामीटर? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली ने। 16, मीराबाई चानू कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, नॉन ऑफ दीज। मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिल्वर मेडल। 17, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? थल सेनाध्यक्ष, CDS, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 18, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, हुगली नदी को, दामोदर नदी को, इनमें से कोई नहीं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दामोदर नदी को। 19, इसरो का फुल फॉर्म लिखे। द इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन स्पेंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द इंडिपेंडेंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, तभी सही होगा, नहीं तो फिर आप फंसोगे। 37 मॉडल पेपर सब्जेक्टिव जो ऐप पर अवेलेबल कराया हूँ, सारे याद कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 20, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है श्रीमती राबड़ी देवी। 21, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, सरयू नदी को, कोसी नदी को, सोन नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोसी नदी को। 22, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी, पाली, संस्कृत, उर्दू या पंजाबी। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है? ये सारे क्वेश्चन भर्ती में पूछे गए हैं, ऑल इंडिया में सेम टाइप क्वेश्चन आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पाली, संस्कृत। 23, सोन नदी बिहार के किस स्थान पर आकर गंगा नदी में मिलती है? आरा में, राजगीर में, सासाराम में, पटना में। टोटल 40 क्वेश्चन है, पूरा क्लास करना और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। टाइम वेस्ट नहीं होता है और 10 सेकंड ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन पे, जो बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पटना में। 24, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 5 जून को,
21 जून को, 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 8 मार्च को। 25, 2024 का ओलंपिक खेल किस शहर में खेला जाएगा, टोक्यो में, फ्रांस में, भारत में, पेरिस में? 2024 का ओलंपिक खेल किस शहर में खेला जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पेरिस में। 26, पुतिन किस देश के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के, रूस के, अमेरिका के, चीन के? अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा था ना, किस देश के साथ, उसी देश के राष्ट्रपति हैं पुतिन। सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रूस के। 27, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत बता, मशरूम, बादाम, सूर्य की रोशनी, संतरे का जूस? बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, बहुत ही आसान, जो हम लोग रोज सुबह सुबह मिलता है विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूर्य की रोशनी यानी धूप। 28, मैथमेटिकल क्वेश्चन, 64 का वर्गमूल बताओ, 6, 7, 8 या 9, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64। सर थर्ड फोर्थ क्लास का क्वेश्चन, इसे बच्चा वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8। 29, फुल फॉर्म ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रेस्क्यू एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? स्पेलिंग जिन्हें याद होगा बस वही सही बता पाएंगे, बाकी अब तुक्का मारोगे ऐसी सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 30, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है, बिलियर्ड्स और स्नूकर से, कबड्डी से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? पंकज अडवाणी रिलेटेड टू विच गेम, ये भी क्वेश्चन आपके भर्ती में पूछा, देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, हम लोग किसी के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ये सब, लेकिन पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बिलियर्ड्स और स्नूकर खेल से। 31, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गोमती नदी के किनारे। 32, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे? कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है गंगा नदी किनारे। 33, आर्मी विंग में एनसीसी की शुरुआत कब से हुई, 1946 में, 48 में, 50 में या 52 में? आर्मी विंग में एनसीसी की शुरुआत कब से हुई, क्या होगा? मोस्ट बी है, जिसका गलत समझना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर एग्जाम में गलत कर दिया तो अच्छे से याद करो, ऑप्शन बी होगा 1948 में। 34, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिमला, देहरादून, शिलांग, इम्फाल? वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शिलांग। 35, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। 36, भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, स्वच्छता परियोजना, विद्युत परियोजना, खेल परियोजना, इनमें से कोई नहीं? भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विद्युत परियोजना। 37, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 14 नवंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती यानी गांधी जी का जन्मतिथि, जन्मदिवस कब मनाते हैं, किस डेट को? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को।
38 विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी, बेरी बेरी, रेबीज या डेंगू? विच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी? ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं और ऑलमोस्ट इसी में से आते हैं जो मैंने आपको 37 मॉडल पेपर और इसके अलावा जो इस बार नए क्वेश्चन ग्रुप में भेजे सारे याद कीजिए, सिलेक्शन कन्फर्म, ऑप्शन होगा अस्कर्वी। 39 कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी, बेरी बेरी, रेबीज या डेंगू? अभी तक अपना 100% सिलेक्शन है। पिछले साल 2022 में भी जितने बंदे तेजस चैनल को फॉलो किए और अच्छे से क्लास करे सारे क्वेश्चन याद किए, सिलेक्शन कन्फर्म, इस बार भी अभी तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेबीज। 40 मैथमेटिकल क्वेश्चन है, यदि 1:8 यानी 1:8 डबल अनुपात तो खाली स्थान रेशियो 125 होगा। 8 125/8 125 115/8 इसका सोल्यूशन मैं आपको इक्वेशन बता दे रहा। सिंगल रेशियो मतलब बाई होता है तो 1/8, डबल रेशियो मतलब इक्वल टू, यहाँ x मान लो तो x/125। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई से, x का वैल्यू पता करना, x को इधर ही रखेंगे, 125 को इधर लाएंगे तो 1 × 125/8 तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/8, सिंपल है। ऑप्शन बी होगा 125/8। तो आपको ऑप्शन नहीं सॉल्यूशन आना चाहिए, सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं जो मेरे पास पढ़ते हो, इसलिए सॉल्यूशन बताता हूँ। टोटल इतने क्वेश्चन थे 40। विनर कौन कौन है? आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका 40 में 40। बाकी लोग कितना सही किया कमेंट करके बता। कल होगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 9, टाइम 8:05 से, तो आप लोग टाइम से क्लास करेंगे और प्ले स्टोर से तेजस इन से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव लिखने वाला, अच्छे से याद कीजिएगा। ये तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने 10 वीडियो देखे थे, 12 वीडियो देखे थे, कुछ नहीं होने वाला, आप 100 क्वेश्चन पढ़ के जाओ। 37 मॉडल पेपर याद करो, 1500 से 1600 क्वेश्चन सारे याद कीजिए, और जो नए इस बार बताए तब दो क्वेश्चन पढ़े थोड़ी तो कोई तुमको सिलेक्ट कर लेगा और उसी में से आ जाएंगे, सारे पढ़िए। और बाकी जिन्हें PDF लेना इस वेबसाइट में मिलेगा, उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में मैं नए क्वेश्चन भी भेज देता हूँ। अभी एक ओरिजिनल 2023 का मॉडल पेपर मिला जिसमें 2-4 नए क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, आप लोग याद कर लेंगे और चैनल से भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।